सवाल है, रमज़ान किसका महीना है? ऑप्शन ए मुसलमानों का, ऑप्शन बी फरिश्तों का, ऑप्शन सी अल्लाह का, ऑप्शन डी हमारे नबी का। सही जवाब है ऑप्शन सी अल्लाह का। अगला सवाल है, रमज़ान का रोज़ा रखना क्या है? ऑप्शन ए सुन्नत है, ऑप्शन बी फ़र्ज़ है, ऑप्शन सी नफिल है, ऑप्शन डी वाजिब है। सही जवाब है ऑप्शन बी फ़र्ज़ है। अगला सवाल है, रमज़ान का रोज़ा बच्चों पर कब फ़र्ज होता है? ऑप्शन ए 5 साल की उम्र में, ऑप्शन बी 10 साल की उम्र में, ऑप्शन सी 12 साल की उम्र में, ऑप्शन डी बालिग होने के बाद। सही जवाब है ऑप्शन डी बालिग होने के बाद। बच्चे या बच्चियां अगर बालिग हो जाए तो उस पर रोज़ा फ़र्ज हो जाता है, चाहे वो 10 साल में हो या 12 साल में। लेकिन अगर बालिग होने का पता ना चले तो 15 साल की उम्र से रोज़ा फ़र्ज हो जाता है। अगला सवाल है, रमज़ान में किस वक्त मांगी हुई दुआ कबूल होती है? ऑप्शन ए सहरी के वक्त, ऑप्शन बी इफ्तार के वक्त, ऑप्शन सी फजर के वक्त, ऑप्शन डी तरावीह के बाद। सही जवाब है ऑप्शन बी इफ्तार के वक्त, यानी कि जब आप इफ्तार लेकर बैठते हैं और मगरिब की अजान का इंतज़ार करते हैं, उस वक्त आप कसरत से दुआ किया करें, क्योंकि उस वक्त मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। अगला सवाल है, रमज़ान मुबारक बोलना कैसा है? ऑप्शन ए फ़र्ज़ है, ऑप्शन बी सुन्नत है, ऑप्शन सी बिदत है, ऑप्शन डी दुरुस्त है। सही जवाब है ऑप्शन डी दुरुस्त है। अगला सवाल है, शैतान को किस महीने में कैद किया जाता है? ऑप्शन ए मुहर्रम में, ऑप्शन बी शाबान में, ऑप्शन सी रमज़ान में, ऑप्शन डी रबी अव्वल में। सही जवाब है ऑप्शन सी रमज़ान में। अगला सवाल है, आयतल कुर्सी कौन से सूरा में है? ऑप्शन ए सूरह यासीन, ऑप्शन बी सूरह रहमान, ऑप्शन सी सूरह बकरा, ऑप्शन डी सूरह जुमा। सही जवाब है ऑप्शन सी सूरह बकरा। अगला सवाल है, तरावीह किस महीने में पढ़ी जाती है? ऑप्शन ए मुहर्रम में, ऑप्शन बी शाबान में, ऑप्शन सी रमज़ान में, ऑप्शन डी रबीउल अव्वल में। सही जवाब है ऑप्शन सी रमज़ान में। अगला सवाल है, तरावी की नमाज क्या है? ऑप्शन ए फ़र्ज़ है, ऑप्शन बी सुन्नत है, ऑप्शन सी वाजिब है, ऑप्शन डी सुन्नत मौकिदा है। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और रोज़ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।